रात को मुलाकात होगी, समझ रहे हो? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, और वेलकम है आप सब लोगों को मेरे चैनल पे। न्यू जो देख रहे हैं उनको भी और जो पुराने हैं उनको भी बहुत सारा वेलकम आप लोगों का मेरे चैनल पे। आज आप लोग देख सकते हैं मैं उठी हूँ सुबह सुबह। आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है बहुत ही बोरिंग होने वाला है, मैं पहले बता दूँ आप लोगों को। शायद इंटरेस्टिंग हो, बट इंटरेस्टिंग आज कुछ भी करने वाला नहीं है। आज मैं खाना नहीं पकाने वाली, आज मैं कहीं जाने नहीं वाली। आज जो है सारा दिन घर पे गुजरेगा मेरा और एक ये लड़की है, क्योंकि जो दो बच्चे हैं छोटे वाले अनाया और आयला, अनाया और मीशा, वो गए हुए हैं अपनी दादू के साथ आउट ऑफ सिटी। तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं वो लोग गए हुए हैं, 2 दिन हो गए। तो हमारा यही हिसाब है, मैं और आयला बस होते हैं। आओ, इसी का रिमोट मैंने अभी बंद किया था, मैंने इसी से कहा भी था हम रात को मिलेंगे। क्यों खो आपने एसी ऑन किया? हाँ, आएंगे तकरीबन 1-2 दिन में आएंगे, एक शायद कल तक आ जाएं या परसों तक आ जाएं। मीर जो है पहले, अनाया जो जाती रहती है अम्मी के साथ, अनाया हमेशा जाती है अम्मी के साथ ना, जब भी उन्होंने कहीं जाना होता है। मीर जो है वो कभी नहीं गया था जब से पैदा हुआ, मतलब मेरे साथ ही जहाँ भी जाता है मेरे साथ जाता है। इस दफ़ा वो भी जिद कर रहा था कि अम्मी मुझे लेके जाएँ, दादू लेके जाएँ साथ, दादू तो सॉरी मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा। तो वो जो है दादू के साथ चला गया, और पहली दफ़ा गया था तो इतनी बोरियत हो रही है ना, इतना दिल को कुछ हो रहा है। क्योंकि जब मीर इधर होता है मीर को कहती है मीर ये ना करो, मीर वो ना करो, मीर ऐसा ना करो। सबसे ज़्यादा घर में शरारत जो है ना वो मीर करता है। तो अभी वो नहीं है घर पे, तो ऐसे लग रहा है जैसे घर में कुछ भी नहीं है मेरे पास करने को। सारा दिन काम में मैं अपना ध्यान लगाई रखती हूँ, लेकिन जो है फिर भी बोरियत होती रहती है। खैर छोड़ें, ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब मैं बनाऊंगी, जाऊंगी सीधा किचन में और अपने लिए बनाऊंगी नाश्ता। ऐसे तो ये लोगों की गुड मॉर्निंग नहीं है, ये है दोपहर। इस टाइम लोग खाने शाने खा के अपने फारिग हुए होते हैं दोपहर के, शाम के खाने की तैयारियाँ हो रही होती हैं। अभी जो है हम लोग जा रहे हैं ऊपर, मशीन में कपड़े डालने जा रही हूँ मैं, और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितने सारे कपड़े धोने हैं। ये इसके अंदर भी कपड़े हैं, ये सारे टॉवल हैं, ये सारे कुशन्स हैं, ये सारी चादरें हैं, इसके अंदर भी कपड़े हैं, इसके अंदर भी कपड़े हैं, इसके अंदर टॉयज हैं सारे। इनके मैं नीचे से सारे उठा के ले, मैं कहा सारे एक दफ़ा धो दो। ये सारे कपड़े मैंने आज के दिन में धोने हैं, क्योंकि कल आ जाना है बच्चों ने, तो आज ये मैं सारे कपड़े धोऊंगी। कैसे धोऊंगी? हमने रखी हुई है ऑटोमेटिक मशीन, मेरी प्यारी सी मशीन। तुम ना होती तो क्या होता? प्यारी समझ गई। सारा कपड़ा मुझे हाथ से धोना पड़ता, मशीन में निकाल निकाल के निथार निथार के मेरे कंधे रह जाते। हाय मेरी प्यारी मशीन, तो मेरी जिंदगी का सुकून हो, सुकून। कैसा लगा मेरा मजाक? ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम जो है टॉवल डालते हैं सारे मशीन के अंदर। पर हम जा रहे हैं नीचे, एज यू कैन सी पीछे मेरी जो मेरी चमगादड़ में था चिपकी होती है। जो दूध वाला है वो सुबह पहले बजा बजा के चला गया वापस, और जो है अब मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है उसका। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, आयला को भी करा दिया है, और अब जो है काम है सफाई करने का। आज के दिन में मैंने बहुत सारे काम करने हैं, आज मैंने फ्रिज साफ़ करनी है, आज मैंने माइक्रोवेव सारा साफ करना है, आज मैंने सारे कपड़े धोने। कपड़े आप लोगों ने देखे थे, थक जाता बंदा, शायद इसी बहाने में स्मार्ट हो जाऊँ। तुमसे ना हो पाएगा। पहले करेंगे ये वाला कमरा साफ, फिर करेंगे बाइक का सीन साफ, फिर बाहर करेंगे दूसरे वाला कमरा साफ, फिर करेंगे किचन साफ, फिर करेंगे बाथरूम साफ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो हमारी जो आंटी हैं जो हमारे घर आती हैं, वो उनका हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ है, और इस वजह से जो है ना डेली जो है मुझे सफाई करनी पड़ती है। तो अभी तो खैर वैसे काम थोड़ा है, लेकिन जो है ना मुझे था कि जितने दिन ये लोग गए हुए हैं, मैं अपने सारे जो छोटे मोटे ईद से पहले जो है ना सारे काम ख़त्म कर दूँ, यू नो ईद की सफाइयाँ। अब चल रहे हैं जल्दी से कर लेते हैं अपनी सफाई।
अल्लाह गंदी। ये देखें, इसने सारा वो अम्मी का अरक पड़ा हुआ था नेल्स पे लगाने वाला, इसने सारा अपने बूथे में मला। सात बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्र। वो वाला हैंड करो। ओहो आइला, दो तीन दिन तक आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब गजब बेइज्जती है। दिखाओ इधर कितना उतरा है। बस ये निशान रह गया, अब ये उतर जाएगा अब एक दफा वॉश कराने के। हाँ जी, जो फ्रिज जो है वो मैंने कर ली है साफ, अब मैं सारी जो है चीज़ें रखूँगी। माइक्रो भी जो था हमारा बड़ा ही गंदा किस्म का हुआ हुआ था, बड़ी देर लगा के इसको मैंने किया है साफ। तो मुझे लगता है इस पर आधा घंटा मुझे लग गया, इतने गंदे इस पर निशान पड़े हुए थे ना, पॉपकॉर्न बनाते रहे हैं तो वो सारा उसका शीशा और अंदर से सारा कुछ गंदा हुआ हुआ था। तो अब ये मैंने किया है साफ साफ, अब जो है इनको रखूँगी मैं अपनी जगह पर सेट करके सारी चीज़ें। और उसमें तो फ्रिज हो गई है साफ, माइक्रो भी मैंने साफ़ कर लिया, अब मेरा रूम भी मैंने साफ़ कर लिया था, अब रह गया सिंह साफ करने वाला, बाथरूम साफ करने वाला। बाथरूम के अंदर मैंने इस टाइम डाला हुआ है तेजाब, बड़े गंदे किस्म की स्मेल आ रही है अंदर से, धुएँ उठ रहे हैं धुएँ। हेलो, हाय हाय, ईशा किधर है? बाय बाय। और नायू किधर है? वेरी गुड जी। तो अब बज रहे हैं 8 रात के, और जो रह गया है मेरा स्टोर का काम, थोड़ा सा कपड़े शपड़े मैंने कर लिए थे चेंज अपने, नमाज वगैरह पढ़ के अभी जो है फारिग हुए हैं। आज तो थोड़ा सा लेट किया था तो इस वजह से अभी जो है खाना वाना नहीं खाना, बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं सोई नहीं हुई हूँ। 24 घंटे में मैं तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटे सोई थी, एक तो मैं सोई नहीं हुई हूँ, ऊपर से काम की थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अब जो है खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा मेरा, खाना नहीं बनाएंगे हम लोग आज, जब भूख लगेगी देखी जाएगी तो थोड़ा बहुत खा लेंगे। व्लॉग जो है आई थिंक अब इधर एंड करती हूँ मैं आप लोगों के साथ, जो है सुबह से उठ के शाम तक की जो है मैंने रूटीन सारी शेयर की अपनी, और अब थोड़ी देर तक जो है 9-10 बजे तक हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद जो है 1-2 घंटा जो है 2-3 घंटे वो होगी मूवी देखेंगे, मैं मूवी देखूँगी साथ साथ मैं अपने वीडियो एडिट करूँगी, और जो ये जो आज का व्लॉग अपलोड होगा ये एडिट करूँगी, और फिर क्या करना है हमने फिर जो है तकरीबन 1-2 बजे तक सो जाना है अगर नींद आई तो। वैसे तो मुझे लगता है जल्दी नींद आ जाएगी क्योंकि कल के जाग रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को जो आज का व्लॉग है वो पसंद आया होगा, सिंपल सा छोटा सा घरेलू व्लॉग था। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, नए लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने लोग हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब तो उन्होंने कर लिया होगा। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से कल एक बड़ी मज़ेदार वीडियो के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।